गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग दैट इज सबसे पहले चीज लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर है हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो सबसे फर्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स आना चाहिए कि ये बेसिक्स क्या क्या है। तो हमें कुछ रूल्स ऑफ सबसे पहले एडिशन एंड क्या है सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में क्या रहना चाहिए आइडिया। तो ये रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या। सबसे पहले चीज यहाँ पे, अगर आपके पास जो नंबर्स रहेगा एक सेम टाइप का नंबर्स मिलेगा, और एक दूसरा कैटेगरी है यहाँ पे आपको नंबर्स कौन से कैटेगरी का मिलेगा, डिफरेंट नंबर्स। तो अगर आपके पास जो नंबर्स का कैटेगरी हो सेम है तो आप दोनों नंबर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वैसे अगर आपके पास दोनों नंबर्स क्या रहे डिफरेंट तो आप इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसका लॉजिक क्या है तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की ओर से देखते हैं। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे -2 -3 है, -7 और यहाँ पे +9, 11 और यहाँ पे -3, 4 और यहाँ पे क्या है +3। पहले चीज हम लोग ये नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव रहेगा तो ये क्या हो गया सेम। जब भी सेम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 ये कितना होगा 5। फिर यहाँ पे है नेगेटिव नंबर, इधर है पॉजिटिव नंबर, कैसे टाइप के नंबर है ये, डिफरेंट। क्यों, एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो डिफरेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 9 में से 7 कम किया तो होगा 2। वैसे ये भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैसे टाइप के नंबर है ये, डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा ये 8। वैसे यहाँ पे अगर कोई साइन दिया नहीं रहता तो अज्यूम क्या करना रहता है कि इसके आगे क्या पॉजिटिव साइन है। तो ये भी पॉजिटिव नंबर हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो सेम नंबर्स हो गए, इनकी वजह से क्या होगा, ये दोनों होगा ऐड, यहाँ पे होगा 7। तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया रहेगा मैंने साइन डाला नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या याद करेंगे, बिगर नंबर का साइन डालना रहता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय बिगर नंबर साइन, जैसे कि इधर है -2 और -3, तो इनमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है और उसका साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा। वैसे -7 और 9, इसमें बड़े नंबर कौन है 9, उसका साइन क्या आएगा प्लस। यहाँ पे 11 और 3 में कौन बड़ा है 11, उसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी रहेगा प्लस। अगर आपने वहां पे प्लस साइन डाला नहीं तो भी समझा जाता है कि वो पॉजिटिव है करके। 4 और 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो उसका साइन क्या आएगा प्लस। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको ट्राई करने के लिए, तो आप लोग जस्ट वीडियो को पॉज करके आप ये एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। आई होप आप लोग ने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया रहेगा खुद से। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या नोटिस कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, -3 -7, सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड, ग्रेटर नंबर साइन 7 है तो उसका साइन क्या आएगा माइनस। 9 और 2 में कौन बड़ा है 9, कैसे टाइप के नंबर से पहले वो बताना है, डिफरेंट टाइप के नंबर से पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको सा सप्रा करके 7 लिखोगे, बड़ा कौन है 9 तो उसका साइन क्या आएगा प्लस। वैसे 3 और 8 में पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर्स हो गए, डिफरेंट टाइप के नंबर्स रहेंगे तो ये दोनों क्या होगा सप्रैक्ट, कितना हो गया 5, कौन बड़ा इधर 8, उसका साइन क्या आएगा माइनस। 4 और -3 में कौन बड़ा है, ऑफकोर्स ये पहले चेक करना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बड़ा कौन है यहाँ पे 4, तो उसका साइन क्या आएगा प्लस, डिफरेंट साइन से तो ऑफकोर्स क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या आ रहा है +1 आ रहा है। ओके अब जब अभी आगे जैसे जैसे प्रोसीड करोगे आप कोई कोई जगह पे देखोगे कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे फॉर्मेट में रहेगा, -2 -3 -7 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा -3 -9 और इधर आएगा दैट इज प्लस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा +3। ये जो रहता है जब जब भी आप ऐसे नोटिस करते हो कि ऐसे दो साइंस देखो बाजू बाजू में रहेंगे, यहाँ पे इधर दो साइंस क्या रहने वाले बाजू बाजू में, तब इसको पहले आप क्या करो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसका मीनिंग क्या है, -2 को तो कुछ नहीं होगा लेकिन ये बीच में, याद रखना अगर दो नेगेटिव साइंस रहेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, दो नेगेटिव साइंस रहेगा तो साइन क्या होगा प्लस और यहाँ पे होगा 3। जैसे नेक्स्ट केस में
इधर होगा -7, अगर एक नेगेटिव साइन है तो आपको साइन क्या होगा माइनस, और यहाँ पे होगा 3। अगर नेगेटिव साइन है ही नहीं तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, इधर तो क्या रहने वाला है, प्लस ही रहेगा। तो बस आपको याद क्या रखना है कि अगर दो नेगेटिव साइंस रहेगा बाजू बाजू में तो उसके बदले आपको डालना है प्लस। अगर आपको एक नेगेटिव साइन दिखे, आपको ऐसे फॉर्मेट में दिखेगा या आपको ये फॉर्मेट में दिखेगा, तो आप क्या डालोगे यहाँ पे माइनस। और अगर आपको क्या दिखेगा, दो पॉजिटिव साइन दिखेंगे तो ऑफकोर्स इसमें तो कॉमन सेंस लगा के क्या डालना है प्लस। मेन क्या याद रखना है, दो नेगेटिव साइन बाजू बाजू में दिखा तो क्या डालना है प्लस, एक नेगेटिव साइन दिखा तो क्या डालना है माइनस। बस ये दो आप ध्यान में रखना, तो ये हम लोग आगे जाके बहुत सारे इधर प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, तो तभी ये चीज याद करना बेटर हो जाता है। अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, दैट इज हम लोग जाएंगे किस पे, मल्टीप्लीकेशन पे। तो अब मल्टीप्लीकेशन में जस्ट मल्टीप्लाई नॉर्मली करना है, इवन डिवीजन में भी रूल होता है, लेकिन डिवीजन को हम लोग थोड़ा लास्ट में एक छोटे से इसमें समझने का ट्राई करते हैं। तो पहले आते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में जस्ट आपको एक ही रूल याद रखना है, अगर ऑड नंबर में नेगेटिव साइंस आया, ऑड नंबर में नेगेटिव साइंस आ जाता है तो आपके आंसर में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। वैसे सेकंड, अगर आपका इवन नंबर में नेगेटिव साइंस आता तो आपके आंसर में कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। अब जैसे हमने पहले के केस में, या वाले केस में देखना, ये वाले केस में क्या नोटिस किया था, यहाँ पे कितना था, दो नेगेटिव साइंस थे, तो दो कैसा टाइप का नंबर है, इवन, इसलिए आपके आंसर में कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव। वैसे ये वाले केस में आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, कितना नेगेटिव साइंस है यहाँ पे, एक, एक कैसा टाइप का नंबर है, ऑड, इसीलिए यहाँ पे साइन क्या हो गया, माइनस आ गया। तो ये रूल आगे भी हम लोग करते, जैसे कि क्या, अगर हमने, अगर आगे आगे आपको -7 का क्या बोला गया, स्क्वायर, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, माइनस कितने बार रिपीट करना, आपको दो बार रिपीट करना है, तो माइनस अगर दो बार रिपीट हुआ तो आपको मालूम है साइन क्या आएगा, प्लस, और इधर कितना होगा, 49। तो कॉमन सेंस है, क्योंकि बहुत जन ये गलती करते हैं कि ये लोग माइनस का स्क्वायर इसका आंसर क्या लिखते हैं, -49 लिखते हैं, लेकिन ये क्या होता है, गलत। हम लोग क्या याद रखना, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड आई होप आपको लॉजिक भी क्लियर रहेगा, क्योंकि माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार। सेम चीज अगर इधर रहता, -7 का आपको बोला गया है क्यूब, तो -7 का क्यूब का मतलब क्या है, माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, तीन बार, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस। 7 का क्यूब कितना होगा, 343। तो ये बेसिक्स आपको मालूम रहना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते, तो लेट्स से इधर -4 × 3 × क्या दिया गया, -8, ये आपको ऐसा दिया है, -4 × 1 × यहाँ पे 2 × यहाँ पे क्या दिया है, 3, ये आपको दिया गया है, -4 × -1 × -2 × यहाँ पे क्या दिया गया, -3। ओके, पहली चीज आपको साइंस पहले चेक करते हैं, आपको साइंस का लॉजिक समझा कि नहीं, कितने नेगेटिव साइन है फर्स्ट सम में, दैट इज 2, साइन क्या आएगा, प्लस। सेकंड सम में कितना नेगेटिव साइन है, 1, तो साइन क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट इसमें कितना नेगेटिव साइन है, 4, 4 इज इवन नंबर, तो साइन क्या आएगा, प्लस। अब मल्टीप्लाई तो कैसे करना है, नॉर्मली करना है, इसका मतलब क्या है, 4 3 का कितना आएगा, 12, 12 × 8, तो 12 × 8 किया तो कितना होगा, 96। वैसे 4 1 का कितना आएगा, 4, 4 2 का कितना आएगा, 8, 8 3 का कितना आएगा, 24। वैसे इधर भी जो आंसर रहने वाला वो भी क्या होगा, 24। आई होप आपको ये साइंस का लॉजिक अच्छे से क्लियर रहेगा। तो जस्ट हम लोग इसके आगे जस्ट हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग चीजों को क्या करते, एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ये बेसिक्स के बाद, तो जस्ट आप लिख के रख सकते हो रूल्स ऑफ एलिमिनेशन करके। अभी रूल्स ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कि जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, लेट से 2x प्लस क्या दिया गया, 3y इक्वल्स टू क्या दिया, 7, और लेट से आपको यहाँ पे दिया है 2x माइनस क्या दिया गया, 4y इक्वल्स टू क्या है, 8। आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए, चेक फॉर सेम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और क्या बोल सकते हैं, वाई।
आपको क्या चेक करना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या है एक्स और वाई को आपको चेक करना है कि सेम है कि नहीं। इस केस में हम लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे क्या है टू, इस केस में हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे भी टू है, तो ये कोएफिशिएंट एक्स का क्या है सेम, लेकिन वाई का चेक करते हैं, वाई का क्या आ रहा है थ्री, इधर कितना आ रहा है फोर, तो वाई का कोएफिशिएंट इधर सेम नहीं है। ओके तो स्टेप वन आई होप सबको क्लियर है। तो स्टेप टू, इन केस फॉर नो सेम कोएफिशिएंट्स। ओके अब इस केस में क्या किया जाता है, तो लेट्स हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस इधर दिया गया 4y इक्वल्स टू 3, 7x माइनस क्या दिया गया 5y इक्वल्स टू क्या दिया गया 2। अब इस केस में क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3, इधर क्या है 7, यहाँ पे 4, इधर क्या है 5, सॉरी इधर हम लोग y लिखते। ओके अब इस केस में क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है कि x का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो एग्जाम में आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि आप x का कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप y का कोएफिशिएंट को क्या कर सकते हो सेम, कोई भी एक आप कर सकते हो। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ऑप्शन वन आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे थ्री लिखा है राइट, तो ये पूरे इक्वेशन को दूसरे के एक्स के कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहां पे जो सेकंड इक्वेशन है उधर हम लोग मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे थ्री से करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 21x प्लस 28y इक्वल्स टू क्या होगा 21। याद रखना हर एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बच्चे करते क्या है कि उन लोग ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने क्या करते भूल जाते। सेम चीज अगर आपने इधर हर एक को 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये बन जाएगा 21x प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे कितना होगा 15y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 6। अब क्या नोटिस कर सकते हो, इधर नोटिस हुआ ये x का कोएफिशिएंट क्या हो गया सेम हो गया। ठीक है अब इन केस आपने सेलेक्ट किया रहता ऑप्शन टू, मैं वापस ये सेम क्वेश्चन लिख लेता हूं, और इधर 7x माइनस 5y इक्वल्स टू कैट 2। अगर आपने लेट्स से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया रहता दैट इज y को सेम करना, तो हम लोग नोटिस करते पहले इधर y का कोएफिशिएंट 4 है और इधर क्या है 5, हमें करना क्या रहता है y को मतलब फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे y के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से। सेम चीज यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 4 से करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां पे y का कोएफिशिएंट इज 4, तो ये बन जाएगा क्या 15x प्लस यहाँ पे होगा 20y इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 15। सेम चीज को 4 से करने से यहाँ पे हो जाएगा 28x माइनस हो जाएगा 20y इक्वल्स टू इधर कितना होगा दैट इज 8। क्या नोटिस कर सकते हो y का कोएफिशिएंट क्या हो गया सेम हो गया। आई होप ये स्टेप टू आपको क्लियर हुआ रहेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप x को सेम कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो y को सेम कर सकते हो। अब आते हैं दैट इज स्टेप नंबर दैट इज 3, जो थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है। ओके अभी स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 इज फॉर एलिमिनेशन। अब कैसे एलिमिनेट करते हम लोग। ओके तो लेट से आपने स्टेप 2 और स्टेप 3 आपने किया, तो लेट से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 3x माइनस 14y इक्वल्स टू 2, और ये दूसरा इक्वेशन मिल गया 3x माइनस 12y इक्वल्स टू लेट से इधर कितना आ रहा है 4, और एक दूसरा इक्वेशन में यहाँ पे 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, यहाँ पे इट इज 3x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या दिया गया 9। अब ये दो इक्वेशंस में अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाले में क्या है कोई सेम, x सेम है, और इस केस में क्या है y सेम है। एलिमिनेट होता कब है, जब क्या रहेगा साइंस दोनों केसेस में क्या रहने वाला डिफरेंट। याद रखना एलिमिनेट कब होता है, जब साइंस क्या रहता है डिफरेंट। आपको ये बेसिक चीज पता रहना चाहिए, तो एलिमिनेट के लिए आपको साइंस को क्या रखना है डिफरेंट। जैसे कि ये वाले केस में नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी साइंस क्या है डिफरेंट,
साइंस ऑलरेडी डिफरेंट रहेगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। ऐड किया तो क्या होगा, 7 + 3 ये हो जाएगा 10x। ये पार्ट सीधा सीधा क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि पहले से साइन डिफरेंट है और हमने पढ़ा है डिफरेंट साइंस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 8 और 9 ऐड किया तो कितना होगा यहाँ पे, 17। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स सेम है लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम। अब सेम और इसका साइन भी क्या है, सेम। हमें मालूम है जब नंबर सेम रहते तो क्या होते, ऐड होते। तो यहां पे अगर मैंने क्या किया होता, डायरेक्ट अगर ऐड किया होता तो ये 3 + 3 ये बन जाएगा 6x, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एलिमिनेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन को पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज। और आपको क्या मालूम रहना चाहिए, साइन चेंज करने में कौन हेल्प करता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने से यहाँ पे जो +3 था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये माइनस जो है ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्लस में। और यहाँ पे +4 जो है ये कन्वर्ट होगा किसमें, माइनस में। अब इससे क्या होगा, ये तो ऑफकोर्स 3x और 3x क्या होगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, +3x था और इधर साइन क्या था, माइनस, तो ऑफकोर्स ये कैंसिल आउट हुआ। इस केस में क्या होगा, 14 का साइन क्या है, माइनस। 12 का साइन नीचे वाला काउंट करना है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला काउंट करेंगे। और उसका साइन क्या यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली प्लस से करके। हमें मालूम है कैसे टाइप के नंबर्स ये डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। एंड किसका साइन डालना है, बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या है, माइनस। सेम गोज ओवर हियर, इधर हम लोग क्या नोटिस करें, पहले वाले का साइन क्या है, प्लस, दूसरे वाले का साइन क्या है, माइनस। कैसे टाइप के नंबर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आंसर क्या होगा, -2। माइनस क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है तो उसका साइन क्या होगा, माइनस। माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे ऑफकोर्स आपको पता है वाई इक्वल्स टू कितना होगा, 2/2, विच इज कितना होता है, 1। अब आते सबसे लास्ट स्टेप पे, तो ये लास्ट स्टेप क्या रहता है, आई होप ये क्लियर रहेगा एलिमिनेशन का। जब क्या रहना चाहिए, एलिमिनेशन करने के लिए आपको क्या करना है, साइंस को डिफरेंट। अगर साइंस ऑलरेडी डिफरेंट है तो सीधा सीधा क्या करोगे, ऐड करोगे। और अगर साइंस सेम है तो क्या करना रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो ये बेसिक आप जस्ट ध्यान में रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, जो सबसे पहला वाला इक्वेशन हमें दिया गया, जो दिया गया 3a + 5b इक्वल्स टू कितना दिया गया, 26। एंड हमें एक दूसरा इक्वेशन दिया गया a + 5b इक्वल्स टू क्या, 22। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में हम लोग नोटिस कर क्या सकते हो, यहाँ पे 3 है और इधर क्या है, 1 है, कोई भी सेम नहीं। इधर 5 है, इधर 5 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, सेम। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जस्ट हम लोग दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखते और इधर आएगा, दैट इज 1a + क्या होगा, 5b इक्वल्स टू इधर कितना हो रहा है, 22। अब रूल नंबर 2 पे ध्यान दे, स्टेप नंबर 2 क्या नोटिस करें, जो सेम कोएफिशिएंट है उनका साइन क्या है, सेम। हमने एलिमिनेट वाले पार्ट में पढ़ा था कि सेम साइन को कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। एंड हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड किसको कर रहे, 2 को। तो इधर सब्ट्रैक्ट करने से आपको सबका साइन क्या होगा, चेंज, ये होगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस, ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 और 1 में किसका साइन बड़ा है, ऑफकोर्स 3 का साइन बड़ा है। एंड एक कैसे टाइप के नंबर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा नीचे का ब्रैकेट का साइन चेक करना। कैसे टाइप के नंबर्स हुए, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। एंड साइन किसका डालना है, 3 का। सेम गोज ओवर हियर, 26 एंड 22, 26 का साइन पॉजिटिव, 22 का साइन क्या, नेगेटिव, डिफरेंट साइंस है तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया आंसर, 4। फिर ए का वैल्यू जो है ये कितना हो जाएगा, 4/2, फिर जिस कितना होने वाला है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या करना है, बीच में एक लाइन मारो। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है उसको सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लेंगे,
मैं कौन सा लेता हूँ? फर्स्ट वाला लेता हूँ। आप सेकंड भी लोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक ए का वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, कितना, टू, थ्री टू जा ये कितना हो जाएगा, सिक्स। इधर आ जाएगा फाइव बी, क्योंकि बी का वैल्यू ढूंढना है। यहाँ पे कितना होगा, 26 प्लस सिक्स, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये बन जाएगा, एडिशन वाला सिक्स इधर गया तो -6 बन जाएगा। 26 वही जगह पे, तो उसका साइन बदलना मत। ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 5b, b इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन क्या होने वाला है, 5, विच इज कितना होगा, 4। फाइनल आपको आंसर में यहाँ पे बताना है, a कॉमा b इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 कॉमा क्या रहने वाला है, 4। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, 1x प्लस इधर कितना है, 7y इक्वल्स टू कितना है, 10। नेक्स्ट इज इधर आएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है, 7। अब आप जरा पॉज कर देना वीडियो, एंड देन आप सोचो कि क्या कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। क्लियरली दिख रहा है सेम नहीं है। इधर क्या है, 1 और क्या है, 3, 7 और यहाँ पे कितना है, 2। ऑफकोर्स कोएफिशिएंट सेम नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइदर आप वैल्यूज ऑफ एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या वैल्यूज ऑफ वाई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम लोग किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ करेंगे। अगर किसी ने वाई के साथ किया रहेगा तो भी कोई इश्यू पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफकोर्स इसको क्या लेना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 2। ओके, अब यहां पे 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट इधर 3 है। और यहां पे जो सेकेंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो इससे क्या होगा, हर एक को 3 से करना है, तो 3 इंटू 1x होगा 3x, 3 इंटू 7y होगा 21y, 3 इंटू 10 ये कितना होगा, 30। सेम चीज 1 से करेंगे तो ये कितना होगा, 3x, 1 2 जा कितना आएगा, 2, 1 7 जा कितना होगा, 7। अब क्या नोटिस कर रहे हैं, ये इक्वेशन चेंज हुआ है, इसको हम लोग क्या लेंगे, 3। ये इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, तो ये क्या रहेगा, वापस पहले के जैसे क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब क्या करना है, वापस एज यूजुअल दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरा इक्वेशन था दैट इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, 7। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले वो चेक करना। आप लोग जरा वीडियो को पॉज करो और सोचना, क्या इधर ऐड करना रहेगा कि सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। आई होप सबने वीडियो पॉज करके इसका आंसर किया रहेगा। क्या नोटिस कर रहे हैं, ये 3 का साइन यहाँ पे क्या है, सेम सेम को हम लोग डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा, 3 का साइन को चेंज, ये माइनस को कन्वर्ट करेगा किस में, प्लस में, और यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि साइन को क्या करता है, चेंज करता है। और इधर ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड कौन सा इक्वेशन, 2। अब इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 21 का साइन प्लस है, 2 का साइन नीचे वाला देखना, तो 2 का भी साइन क्या है, प्लस। कैसे टाइम के नंबर्स हुए, सेम सेम टाइम के नंबर्स होंगे, तो ये दोनों क्या होगा, ऐड। यहाँ पे 30 और क्या है, 7, दोनों कैसे टाइम के नंबर्स है, डिफरेंट रहेगा, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, और इसका आंसर क्या होगा, 23। 23 इधर वाई को क्या करें, मल्टीप्लाई, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड, तो 23 अपॉन 23, वाई का आंसर कितना होगा, 1। इसको अभी क्या करना, हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो कौन से भी इक्वेशन में कर सकते हो। पिछले बार हमने 1 में किया था, इस बार हम लोग क्या करते, 2 में करते, तो आप कोई भी इक्वेशन में करो आपको सही आंसर आने वाला है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, y को सब्सटीट्यूट करना है, कितना है वो, 1, तो यहाँ पे बनेगा 3x, 2 1 जा कितना होगा, 2। इस केस में माइनस 2 अगर दूसरी साइड गया, 3x को तो वही जगह पे रखना है, यहाँ पे कितना होगा, माइनस टू दूसरा गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू इधर कितना होगा, 9। x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड, इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 3। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है जो x कॉमा वाई का जो आंसर है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, इट इज कमिंग एज 3,1। अब आते नेक्स्ट सम में, इधर दिया गया 2x
-3y इक्वल्स टू दिया गया 9 एंड दूसरा दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया 13। जरा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और जरा सोचो क्या यहाँ पे ऐड करना है या सब्रैक्ट करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है क्या नहीं। आई होप सबने वीडियो को पॉज किया रहेगा। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है इधर एलिमिनेट ऑलरेडी हो रहा है, इसका रीजन क्या है क्योंकि ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स इधर क्या है सेम है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली इसको 1 लेंगे और ये वाले इक्वेशन को क्या लेना चाहिए हमें 2। तो इधर आएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है 9, 2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा y लिखा है, अज्यूम क्या करना आगे क्या है 1 इक्वल्स टू इधर कितना होगा 13। अब जरा वापस वीडियो को पॉज करो और जरा सोचना कि यहाँ पे ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया रहेगा। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे दिख रहा है दोनों क्या है 2 और 2 दोनों क्या है पॉजिटिव, तो हम लोग ऐड करके डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन से साइन क्या होगा चेंज होगा। ओके तो ऑफकोर्स अभी क्या होगा ये 2x और 2x कैंसिल, यहाँ पे 3 का साइन भी माइनस है 1 का साइन भी माइनस है, कैसे टाइप के नंबर्स हुए सेम सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस। यहाँ पे 9 और 13 में कौन बड़ा है 13, उसका साइन क्या है माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। अब वापस दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई कौन कर रहा है -4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरे से डिवाइड भी कौन करना चाहिए -4 डिवाइड करेगा, माइनस और माइनस क्या होगा कैंसिल। आप ऐसे भी सोच सकते हो दो नेगेटिव साइंस रहेगा तो आंसर में क्या आएगा पॉजिटिव, जो हमने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लिख के रखा है, तो आंसर क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है क्या करना है सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे होगा 2x 1y इक्वल्स टू कितना होगा 13, क्या करेंगे y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे 1, 2x 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2x को अपनी जगह पे रखना 13 को भी अपनी जगह पे रखो प्लस 1 दूसरा गया तो क्या होगा -1, 2x ये हो जाएगा कितना 12, x कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6। हमारा जो फाइनल आंसर है एक्स कॉमा वाई इसका आंसर आ रहा है दैट इज 6 कॉमा क्या हो रहा है 1। चलो यहाँ पे करते नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये आप खुद से ट्राई कर लोगे, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। ओके आई होप सबने खुद से ट्राई किया होगा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इधर 5 है और यहाँ पे कितना इट इज 1, सेम यहाँ पे क्या है 3 और इधर क्या है 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते दैट इज m को सेम करते, तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसको दूसरे के m के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना दैट इज क्या 1, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे पहले के कोएफिशिएंट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई विच इज कितना है 5, 1 से करने पे यहाँ पे होगा 5m माइनस 3n इक्वल्स टू क्या होगा 19, और दूसरे को 5 से ध्यान देना हर एक को 5 से करना, तो यहाँ पे होगा 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना होगा 30 और 5 इंटू 7 कितना होगा माइनस क्या होगा 35। पहला इक्वेशन चेंज नहीं हुआ तो उसको 1 ही लिखेंगे हम लोग, दूसरा इक्वेशन चेंज हुआ है तो उसको हम लोग क्या लेंगे 3। अब यहाँ पे 5m माइनस 3n इक्वल्स टू कितना है 19, दूसरा इक्वेशन इज 5m माइनस 30n इक्वल्स टू कितना है माइनस क्या है 35। ठीक है आई होप यहाँ पे हमें वो दिख रहा है कि दोनों का साइन क्या है सेम है, सेम साइन को एलिमिनेट करने के लिए अभी आपको सबको बायट हो गया रहेगा, क्या करना रहता है माइनस, ये माइनस चेंज होगा किसमें प्लस में, ये माइनस चेंज होगा किसमें प्लस में। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो क्या हो गया एलिमिनेट, 30 और 3 में कैसे टाइप के नंबर है 3 नेगेटिव है 30 पॉजिटिव, इट इज डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ बिगर, कौन बड़ा है 30 और उसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा प्लस आएगा। नेक्स्ट 19 और 35 में कौन बड़ा है 35 उसका साइन क्या आएगा प्लस, दोनों का साइन सेम होने की वजह से यहाँ पे एड होके कितना होगा 54, एन इक्वल्स टू ये कितना होगा 54 अपॉन क्या होगा 27, तो n का वैल्यू इधर से कितना होगा 2।
नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, पहले वाला इक्वेशन लेता हूं, इधर आएगा माइनस 3n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो रहा है 19, n के बदले यहाँ पे डाला जाएगा 2, तो इधर जाएगा 5m माइनस 6 इक्वल्स टू कितना होगा दैट इज 19, माइनस 6 अगर दूसरी साइड गया तो ये हो जाएगा प्लस, इधर होएगा 19 प्लस हो जाएगा 6, 5m इक्वल्स टू इधर कितना होगा 25, एंड हमारा m का वैल्यू ये हो जाएगा 25 अपॉन 5 हो जाएगा, विच इज इसका आंसर आएगा यहाँ पे। एंड आते फाइनल आंसर पे, m कॉमा n इसका जो वैल्यू है ये कितना आएगा 5 कॉमा क्या रहेगा 2। ठीक, अब आते नेक्स्ट सम में। आई होप अभी आप लोग खुद से करने के काबिल हो गए रहेंगे। तो यहाँ पे 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, एंड इधर इट इज x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या है 4। जरा वीडियो को पॉज करके खुद से कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 5x प्लस 2y माइनस 3 क्लियरली नोटिस कर रहा है इधर क्या है 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से किया, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्टिल क्या रहेगा इक्वेशन नंबर क्या रहेगा 1। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 5 से, x के पहले वाले के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 25y इक्वल्स टू इधर कितना होगा 20। ये अभी नया इक्वेशन बन गया, इसके लिए हम लोग इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे 3। इधर आ गया 5x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है माइनस 3। नेक्स्ट इज इधर आएगा 5x प्लस इधर आ रहा है 25y इक्वल्स टू कितना है 20। ऑफ कोर्स सेम साइन है तो हमने अभी अब पढ़ा है, सेम साइंस एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, साइन क्या होगा दैट इज चेंज। ओके 5x तो क्या हो गया कैंसिल, 21 और 2 में माइनस और प्लस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर है तो डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा नंबर कौन है 21 तो साइन क्या आएगा माइनस। सेम चीज 20 और 3 में, दोनों क्या नेगेटिव नंबर है, 3 भी नेगेटिव है 20 भी नेगेटिव है, दोनों का साइन क्या हो गया यहाँ पे सेम सेम रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, तो ये कितना होगा दैट इज 23 और यहाँ पे क्या आएगा कौन सा साइन आने वाला है माइनस। जस्ट शायद ये क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, तो यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन रहेगा, जो साइन क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। ओके यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे, 2 और 21 में साइंस क्या है सेम सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड होके कितना होगा ये 23 क्या होगा वाई, तो वाई इक्वल्स टू इधर कितना होगा माइनस 23 अपॉन, मल्टीप्लाई भी कौन कर रहा है माइनस 23, तो दूसरा डिवाइड भी कौन करेगा माइनस 23, आंसर कितना आ रहा है 1। अब आप कोई एक इक्वेशन लो एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दिया गया दैट इज 4। हम लोग क्या करेंगे इसमें y का वैल्यू को कितना डालेंगे 1, तो x प्लस 5 वन सा कितना आएगा 5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4 पे प्लस। अभी देखो 4 और x का पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, एडिशन वाला 5 दूसरे गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। कैसे टाइप के नंबर्स है, 4 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, डिफरेंट नंबर्स रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। तो हमारा फाइनल आंसर जो है x कॉमा y ये क्या आ रहा है दैट इज इट इज कमिंग एज माइनस 1 कॉमा क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना दिया गया 29, दूसरा दिया गया यहाँ पे 5x माइनस 1y इक्वल्स टू क्या दिया गया 18। वापस हमारा ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है दैट इज x सेम नहीं है और y का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अब इतने देर से हम लोग क्या कर रहे थे x को सेम कर रहे थे, इस बार हम लोग क्या करते हैं y को सेम करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है y का कोएफिशिएंट 2, इधर y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो पहले वाले को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दूसरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो 1 से करने पे होगा 3x प्लस 2y इधर क्या आएगा इक्वल्स टू कितना होगा 29। यहाँ पे जस्ट लिख के रखना इक्वेशन 1 को आप क्या कर रहे हो 2 से क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई, जस्ट हर स्टेप में लिखने का हैबिट कर देना। इधर भी आप क्या कर रहे हो इक्वेशन 2 जो है इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हो 2 कर रहे हो।
ओके, टू से करने पे यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू से मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा 36। एज यूजुअल दोनों इक्वेशन को हम लोग एक के नीचे एक लिखते हैं। क्या नोटिस कर सकते हैं दोनों का साइन क्या पे क्या है डिफरेंट। अभी ऑलरेडी डिफरेंट है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने का इस बार जरूरत नहीं है, इस बार हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना होगा 13x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करने से यहाँ पे कितना होगा 65, x इक्वल्स टू होगा 65 अपॉन क्या होगा 13, x का वैल्यू इधर कितना होगा दैट इज 5। साइड में सॉल्व करते हैं, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो, 5x माइनस 1y इक्वल्स टू कितना है 18, x के बदले हमें सब्स्टिट्यूट करना है इधर 5, 5 फाइव कितना होगा 25 माइनस 1y इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 18 माइनस 1y इक्वल्स टू 18। सबका पोजीशन सेम रखा है, सिर्फ एडिशन वाला 25 इधर गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन वाला 25 हो जाएगा, माइनस 1y इक्वल्स टू इधर हो जाएगा किसी टाइप के नंबर से डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर, वाई इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है एक्स कॉमा वाई जो है इसका जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा दैट इज 5 कॉमा क्या होगा 1। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे दिया गया 6x माइनस 4y इक्वल्स कितना दिया है माइनस 12 एंड यहाँ पे दिया गया 8x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या दिया है माइनस 2। अब ये वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो जो पहला इक्वेशन है इसको डिवाइड बाई 2 कर सकते हो, लेकिन एज यूजुअल हम लोग क्या कर रहे हैं ये जो वीडियोस जो बनाया गया है ये मोस्टली जिनको थोड़ा सा टफ पड़ता है उनके लिए है, तो जिनको अच्छे से समझते हो लोग 3 से इसको 2 से डिवाइड करके कर सकते हो। अब बाकी लोगों के लिए क्या करना है एज यूजुअल हमें क्या करना है क्लियरली दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से एक्स का कोएफिशिएंट सेम नहीं वाई का कोएफिशिएंट सेम नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार जैसे पहले किया था वाई का कोएफिशिएंट को हम लोग सेम करेंगे। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 3 एंड जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4। क्यों ऐसा किया क्योंकि हमें वाई को सेम करना है, 3 से करने पे हो जाएगा 18x माइनस यहाँ पे होगा 12y इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 36। नया इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन नंबर क्या होगा 3। वैसे 4 से करने पे ये होगा 32x माइनस यहाँ पे होगा 12y इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 8, विच इज क्या इक्वेशन नंबर क्या होगा 4 क्योंकि नया इक्वेशन आ गया। एज यूजुअल हमें दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखना। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि साइन क्या है सेम साइंस को कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करके सबका साइन को क्या करना पड़ेगा हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे ये पार्ट तो क्या हो गया कैंसिल। 32 और 18 में कौन बड़ा, ऑफ कोर्स 32, साइंस भी दिख रहा है 18 का साइन पॉजिटिव 32 का साइन नेगेटिव है, डिफरेंट साइंस रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट एंड बड़ा कौन है 32 तो उसका साइन क्या होगा माइनस। यहाँ पे 36 का साइन नेगेटिव 8 का साइन पॉजिटिव डिफरेंट टाइप के नंबर्स होंगे तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट, साइन क्या आएगा दैट इज 36 का जिस क्या माइनस। इस बार दिख रहा है क्लियरली मल्टीप्लाई कौन कर रहा है माइनस 14 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरा डिवाइड भी अगर करेगा तो माइनस 14 क्या कर रहा है डिवाइड, माइनस और माइनस कैंसिल 14 टू का कितना होगा 28 एंड लास्ट इज को सब्स्टिट्यूट करना है, कोई भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 8x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना है माइनस 2। ओके, यहाँ पे क्या करना है एक्स के बदले डालना है 2, तो एक्स के बदले यहाँ पे आएगा 2, 8 टू का कितना होगा 16 माइनस 3y इक्वल्स टू कितना दैट इज माइनस 2, माइनस 3y को अपने जगह पे रखना है माइनस 2 को अपने जगह पे रखना है प्लस 16 इधर गया तो क्या होगा माइनस क्या होगा 16 माइनस 3y इक्वल्स टू कैसे टाइप के नंबर से दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा एड, पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर तो साइन क्या आएगा माइनस, y इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस 18, मल्टीप्लाई भी कौन कर रहा है माइनस 3 तो उसे डिवाइड भी कौन करेगा माइनस 3, y का वैल्यू कितना आएगा 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है x कॉमा वाई इसका जो वैल्यू है ये कितना होगा दैट इज 2 कॉमा क्या होगा 6।
अब आते कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस। अगर लेट्स से हमारे पास ज्यादा कुछ फ्रैक्शन रहेगा, लेट्स से एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया गया 7। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें दिखेंगे तो हमारा मेन काम क्या रहने वाला है, यहाँ पे 3 और ये 2 को क्या करना, एलिमिनेट। फिर ट्रू और ट्रू को एलिमिनेट करना, इट इज वेरी सिंपल। 3 2 जा ये कितना होता है आप सबको मालूम है, कितना होता है 6 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो 1 इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, 6 से। तो यहाँ पे होगा 6 इंटू एक्स अपॉन 3, 6 इंटू यहाँ पे क्या होगा वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू इधर 6 इंटू क्या होगा 7। ऐसे फायदा क्या हो गया, 3 और ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा 2, 2 और ये कैंसिल आउट होकर कितना होगा 3। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 42। सेम चीज अगर यहाँ पे दिया है x अपॉन 3 माइनस y इक्वल्स टू क्या दिया गया 4। y के नीचे डिनोमिनेटर को क्या अज्यूम करेंगे, 1 है करके। क्या करना चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 3 से। इसे हो जाएगा 3 इंटू एक्स अपॉन 3, 3 इंटू वाई अपॉन क्या होगा 1, और यहाँ पे 3 इंटू इधर कितना होगा 4। जो 3 कैंसिल आउट होगा तो बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना होगा 12। सेम आप खुद से ट्राई कर सकते हो, पॉज कर देना वीडियो को, ऐसे क्वेश्चन जस्ट लिख के रख सकते हो। ओके, आई होप सबने पॉज किया रहेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना जरा सोच लेना इसमें। तो यहाँ पे जैसे इसको इक्वेशन नंबर 3 लेते, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 5 जा कितना होता है 30। तो हर एक को हम लोग मल्टीप्लाई बाय क्या करना चाहिए, 30 से। तो कितना होगा 30 इंटू एक्स अपॉन क्या होगा 3 माइनस 30 इंटू यहाँ पे क्या होगा वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 30 इंटू 1 अपॉन क्या होगा 5। 3 और ये कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा 10, 2 और ये कैंसिल आउट किया तो कितना होगा 15, 5 और ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे कितना होगा 6। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 10x माइनस 15y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 6। इसमें एक और एक केस है जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एंड ये जब भी फ्रैक्शंस में आ गया नेक्स्ट टाइम तो आई होप सबको अभी मालूम रहेगा करना क्या। सबसे पहले ये स्टेप करने के बाद आपको जो आगे का करना आप कर सकते हो। अब आते एक और एक स्पेशल केस का सम, दैट इज लेट से आपको ऐसे दिखेगा कोई इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू क्या दिया गया c, और लेट से इधर क्या दिया गया bx प्लस क्या दिया गया ay इक्वल्स टू क्या दिया गया d, या ऐसे कुछ दिया है। इसका एग्जाम्पल मैं साइड में लिख के रखता हूं, तो 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 14, सॉरी तो y लिखते, और यहाँ पे आएगा दैट इज 7x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आएगा 20। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे x एंड सेकेंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट सेम है, इधर b और दूसरे का क्या है b का कोएफिशिएंट, x एंड y का क्या रहता है सेम। अब जब भी आपको ऐसे टाइप का पैटर्न जब भी दिख जाता है तो एक बार ये दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है एड, एक बार ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। और हमेशा एड सब्ट्रैक्ट करते हो हमेशा बड़े इक्वेशन को पहले लिखना एंड देन छोटे इक्वेशन को। तो अब क्या समझते कोई इक्वेशन बड़ा है कि छोटा है, अब क्या करना है इसका साइड का जो वैल्यू है उसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या दिया है 21, इधर क्या दिया 14, तो मतलब ये क्या रहेगा बिगर रहने वाला, और ये क्या रहेगा दैट इज स्मॉल। तो हम लोग ये एग्जाम्पल को जस्ट लिख के रखते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं टेक्स्ट बुक का जो सम है जब वो आएगा तभी हम लोग करते इसको। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज इधर दिया गया 1 अपॉन क्या दिया गया 3x प्लस y इक्वल्स टू कितना दिया 10 अपॉन क्या है 3। दूसरा 2x प्लस 1 अपॉन 4y इक्वल्स टू कितना दिया 11 अपॉन क्या दिया 4। अब आप क्या कर सकते हो, 3 3 सा कितना है 9 वो भी सोच सकते हो, 4 4 सा कितना है 16 वो भी आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे हम लोग को स्टेप करते क्यों है, नीचे का 3 को हटाने के लिए। तो अगर आपने सबको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ऊपर और नीचे का 3 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। रीजन बीइंग 3 से हमारा काम बन रहा है। सेम गोज ओवर फॉर द सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है 4 और 4 है, ऑफकोर्स 16 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि 4 4 16 होता है,
लेकिन यहाँ पे 4 से भी हमारा काम हो जाता है, हर एक को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या होता है कि ये इक्वेशन हम लोग क्या होता है 4 एलिमिनेट हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 3, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 4। तो इसके क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल आउट होगा, तो इधर क्या बचेगा 1x, 3 इंटू वाई कितना होगा 3y, 3 और 10/3 का जो 3 और कैंसिल आउट होगी कितना बचेगा यहाँ पे 10। सेम गोज ओवर हियर, 4 इंटू 2 कितना होगा 8x, 4 और 4 कैंसिल आउट होगा यहाँ पे कितना होगा 1y, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल कितना होगा यहाँ पे 11। अब सॉल्व करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर कोएफिशिएंट कितना है 8, दोनों इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 8, और ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1। क्लियरली एक और चीज नोटिस हो रहा है, इक्वेशन डिफरेंट है, तो ये क्या बन जाएगा 3, ये क्या बन जाएगा 4। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 4 इक्वेशन जो है इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 8x प्लस 24y, सॉरी 24y इक्वल्स टू कितना आएगा 8 टेंजा कितना होगा 80। सेम गोज ओवर हियर, 8x प्लस यहाँ पे कितना होगा 1y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 11। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसको क्या लेंगे हम लोग 4 ही लेंगे, इसमें चेंज हुआ है इसको हम लोग क्या लेंगे 5। 8x प्लस 24y इक्वल्स टू कितना है 80, 8x प्लस इधर कितना आ रहा है 1y इक्वल्स टू कितना है 11। दिख रहा है दोनों का साइन क्या है सेम, सेम को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट, इसका साइन क्या होगा माइनस, इसका साइन होगा माइनस, इसका साइन होगा माइनस, 8x और 8x क्या होगा कैंसिल, डिफरेंट नंबर्स है तो ऑफ कोर्स क्या होगा सबट्रैक्ट, 80 और 11 में भी प्लस और माइनस डिफरेंट टाइप के नंबर्स है तो ये भी क्या होगा सबट्रैक्ट, वाई का वैल्यू ये कितना होगा यहाँ पे 3। अब कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 8x प्लस 1y इक्वल्स टू कितना है 11, y के बदले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे 3, तो यहाँ पे होगा 8x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना है 11। 8x और 11 को अपने जगह पे रखना, प्लस 3 दूसरा गया तो क्या होगा माइनस 3, एक्स इक्वल्स टू ये कितना होगा 8/8 विच इज इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक, अब यहाँ पे आई होप ये सम आप खुद से कर पाओगे। अब आते हैं जो स्पेशल कैटेगरी का सम्स है, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है 49, यहाँ पे 49 आ रहा है, 57 इधर 57 आ रहा है, और जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा ये वाले इक्वेशंस को एक बार ऐड करना एक बार सबट्रैक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, और इसके साइड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सबट्रैक्ट। ऐड करते हो हमेशा पहले बड़े इक्वेशन को लिखना, कौन बड़ा रहेगा 252 वाला इक्वेशन बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 57x 49y इक्वल्स टू इधर कितना होगा 252, और वैसे यहाँ पे 49x माइनस 57y इक्वल्स टू कितना होगा 172। इन सबको ऐड करने पे यहाँ पे होगा 106x, कैसे रहेगा नंबर से सेम सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड, ये होगा 106y, बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो कितना होगा 420 क्या होगा 4। इन सब में कौन सा टेबल कॉमन है वो भी दिख रहा है, 106 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा y, फिर x माइनस y इक्वल्स टू इधर क्या होगा 424 अपॉन कितना होगा 106, कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा 4। वैसे दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सबट्रैक्ट, 57x 49y इक्वल्स टू 252, नेक्स्ट यहाँ पे 49x माइनस 57y इक्वल्स टू कितना 172। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सबका साइन हो जाएगा चेंज, तो माइनस होगा प्लस, ओके 57 और क्या दैट इज इधर दिया 49, कैसे रहेगा नंबर से डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा कौन है 57 उसका साइन क्या आ गया प्लस, यहाँ पे इन दोनों में 57 और 49 में कैसे टाइप के नंबर है पॉजिटिव है 57 और 49 क्या नेगेटिव, डिफरेंट टाइप के नंबर है तो क्या करेगा सबट्रैक्ट, कितना हो गया 8y, बड़ा कौन है 57 तो साइन क्या होगा प्लस। सेम 252 और 172 में
252 पॉजिटिव, 172 नेगेटिव, डिफरेंस साइन से यहाँ पे वापस क्या होगा, सबट्रैक्ट। सब में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो इधर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 80, 8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड, 80 अपॉन 8 ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10। अब यहाँ पे अब ये लास्ट में इसको क्या लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 4। बस अभी क्या करना है, 3 और 4 को बस क्या करना है, ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे साइंस क्या है, पहले डिफरेंट है तो क्या होगा कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू कितना होगा 14, x इक्वल्स टू कितना होगा 7। सेम हम लोग साइड में करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आता 10, इसमें आप क्या करते हो x का वैल्यू कितना डालोगे सेम, 7 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 10, y और 10 का जगह वैसे ही रखना है, प्लस 7 से दूसरा गया तो क्या होगा माइनस 7, y इक्वल्स टू कितना होगा 3। चलो अब ये सब में भी देखना, यहाँ पे भी क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है, दैट इज 99 है, इधर कितना है 99 y में है, 101 y में है, 101 कहाँ पे x में, एज यूजुअल वापस आपको देखना है दोनों को क्या करेंगे, एक बार क्या करना है ऐड, एक बार क्या करना है सबट्रैक्ट। हमेशा पहले बड़ा इक्वेशन 501 बड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि अफकोर्स बड़ा है, तो यहाँ पे 101x प्लस इधर कितना होगा 99y इक्वल्स टू कितना होगा 501, वैसे 99x प्लस 101y इक्वल्स टू कितना है 499। क्या करना है, इधर ऐड करना है, ऐड करने पे ऑफकोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा 200x, इधर हो जाएगा 200y, ये हो जाएगा 1000। सब में क्या कॉमन है, 200 कॉमन है, तो इधर होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 1000, तो इधर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 1000 अपॉन क्या होगा 200, विच इज ये इक्वल टू कितना हो रहा है 5। सेम गोस सब्ट्रैक्शन के पार्ट में भी, पहले हमेशा बड़े इक्वेशन को लिखना एंड देन यहाँ पे कितना होगा 99x 101y इक्वल्स टू कितना होगा 499। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, सबका साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा, सब प्लस हो जाएगा माइनस में, 101 और 99 में कौन बड़ा, 101 दोनों डिफरेंट साइन है तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 101 और 99 में कौन बड़ा, 101 तो साइन क्या होगा माइनस, डिफरेंट है क्यों, 99 पॉजिटिव 101 नेगेटिव है, डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 501 और 499 बड़े नंबर का साइन क्या है प्लस, डिफरेंट साइन से तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, इसका आंसर भी क्या होगा 2, साइन क्या होगा पॉजिटिव। सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। एज यूजुअल क्लियरली दिख रहा हमें, इसको हम लोग क्या लेंगे, दैट इज 3 नया इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या लेंगे 4। क्या करना है बस, अभी 3 और 4 को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो ऐड, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 1। ऐड करने पे क्लियरली दिख रहा है पहले ही साइन डिफरेंट है तो क्या होगा कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना होगा 6, x इक्वल्स टू कितना हो गया 3। साइड में क्या करना है, कोई भी इक्वेशन ले लेना, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 1, इधर आएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 1, माइनस वाई और 1 अपना जगह नहीं बदल रहा है वैसे ही रहेगा, प्लस 3 दूसरा गया तो क्या होगा माइनस 3, 3 और 1 में कौन बड़ा है 3, तो साइन क्या होगा माइनस, डिफरेंट टाइप के नंबर्स है पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, माइनस और माइनस कैंसिल, y का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 2। नेक्स्ट वाले पे आते, यहाँ पे भी हम लोग को सेम ऑब्जर्वेशन देख सकते, तो अभी डायरेक्टली मैं पहले क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ एंड दूसरा क्या करना है सब्ट्रैक्ट, जरा खुद से ट्राई कर लीजिएगा, तो इधर होगा 15x 17y इक्वल्स टू होगा 21, 17x 15y इक्वल्स टू 11, ऐड करने पे होगा 32x 32y 32, सब में क्या कॉमन है 32 कॉमन है, तो अंदर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 32, x प्लस वाई ये इक्वल्स टू कितना होगा 32 अपॉन 32 विच इज 1। सेम चीज यहाँ पे क्या है 15x प्लस 17y इक्वल्स टू कितना है 21, दूसरा है 17x प्लस 15y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 11।
सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, सबका साइन क्या होने वाला है, चेंज होगा। अब क्या होगा, 17 और 15 में कौन बड़ा है, 17, इसका साइन क्या होगा, माइनस। डिफरेंस साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। 15 और 17 में कौन बड़ा है, 17, तो उसका साइन क्या आएगा, प्लस। डिफरेंट टाइप के नंबर है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। 21 और 11 में कौन बड़ा है, 21, प्लस साइन आएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, 10 आएगा। सबको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस इधर क्या होगा वाई इक्वल्स टू, इधर कितना होगा 10/2, विच इज कितना होता है 5। अब एज यूजुअल दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 1, ऐड करेंगे वापस, और इधर कितना आएगा, दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 5। इस केस में ऐड करने पे कौन कट होगा, एक्स कैंसिल आउट होगा, तो इधर आएगा 2y इक्वल्स टू कितना होगा 6। एंड क्लियरली देख रहा है y का वैल्यू ये कितना आ रहा है, दैट इज 3। सेम साइड में कोई भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस वाई कितना है, दैट इज 1, y के बदले कितना डालना है हमें 3, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना है 1। एक्स और 1 का जगह नहीं बदल रहे, प्लस 3 जगह तो क्या होगा माइनस 3। कैसे रहेगा नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ बिगर नंबर। नेक्स्ट सम जरा पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल इक्वेशन को ऐड, दूसरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। रीजन अभी आपको पता ही रहेगा, तो इधर आएगा 27x प्लस 31y इक्वल्स टू कितना आएगा 85। अब छोटे इक्वेशन को मैंने पहले लिखा, ऐसा कोई प्रॉब्लम पड़ेगा नहीं। 31x प्लस क्या होगा 27y इक्वल्स टू कितना होगा 89। अभी ऐड करते तो इधर आएगा 58x, इधर आएगा 58y, इधर आएगा 174। सब में कौन सा टेबल कॉमन है, 58 का, तो इधर आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू इधर कितना आने वाला है 3। सबट्रैक्ट करते हो, बस पहले बड़े इक्वेशन को लिखता हूँ, 31x 27y इक्वल्स टू कितना है 89। नेक्स्ट यहाँ पे 27x आगे आएगा प्लस 31y इक्वल्स टू कितना आ रहा है 85। सब्ट्रैक्शन में मेन क्या ध्यान देना है कि साइंस क्या होगा, सबका चेंज होगा। ओके अब डिफरेंट साइंस है तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 4x। 31 और 27 कौन बड़ा है, माइनस 31 बड़ा है। डिफरेंट साइंस है तो ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। 85 89 में 89 बड़ा है, साइन क्या आएगा, प्लस। डिफरेंट साइंस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 1। एज यूजुअल दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 3, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 1। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों क्या होगा कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना होगा 4, एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 2। वैसे दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या आने वाला, सेम सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था 3, एक्स के बदले कितना डालना है 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा 3, वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इधर गया तो क्या होगा माइनस 2, y का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक, अब आते लास्ट के दो सम्स पे, दैट इज 148x प्लस इधर क्या होगा 231y इक्वल्स टू है 527। वापस आज जो दोनों को ऐड ही करना है, 231x प्लस इधर कितना आ रहा है 148y इक्वल्स टू कितना है 610। सेम चीज यहाँ पे पहले बड़ी इक्वेशन को लिखते, 231x 148y इक्वल्स टू 610। नेक्स्ट इज 148x प्लस 231y इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज 527। इधर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में बस याद रखना सबका साइन क्या होने वाला है, चेंज होगा, तो ये सब साइन चेंज होगा माइनस। ओके यहाँ पे हम लोग क्या करें, सीधा सीधा ऐड कर रहे, ऐड करने पे ये हो जाएगा दैट इज 97 और यहाँ पे कितना होगा 3x 379, इधर क्या होगा y, इसको ऐड किया तो 73 और यहाँ पे क्या होगा 11। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा, सेम पिछले बार जैसे। अब इतना बड़ा टेबल कैसे करेंगे, बस आप क्या करना, लास्ट का डिजिट जस्ट चेक करो, 9 के टेबल में 7 कब आता है, तो 9 के टेबल में 9 3 सा किया तो 27 आएगा। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो इसको डायरेक्टली आप क्या ले सकते हो, 3 ले सकते हो, लास्ट डिजिट को पहचान के आप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इनको सॉल्व करते, यहाँ पे होगा 83x
83y, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, 231 का आएगा, तो साइन क्या होगा माइनस, इधर आएगा 83। क्या कॉमन है सब में, 83 कॉमन है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 1। एज यूजुअल दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखेंगे एंड क्लियरली दिख रहा है दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड करने पे ये पार्ट क्या होगा कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना होगा 4, x इक्वल्स टू कितना होगा 2। सेम वाले साइड में सब्सिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था 3, तो x के बदले कितना डालना हमें 2, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 3, y इक्वल्स टू 3, इनका जगह नहीं बदलना है, सिर्फ प्लस 2 दूसरा गया तो क्या होगा माइनस 2, y इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये क्या होना चाहिए 13 बस आना चाहिए, बाकी सब बराबर है। तो यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, 7x प्लस 13y इक्वल्स टू कितना है 27, और यहाँ पे 13x प्लस 7y इक्वल्स टू कितना है 33। दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे एक बार, तो हो जाएगा 20x 20y इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 60, x प्लस वाई ये कितना आएगा 3, क्योंकि हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया 20। सेम पहले तो सॉल्व करते हैं, बस बड़े इक्वेशन को पहले लिखना, यहाँ पे कितना होगा दैट इज 7x 13y इक्वल्स टू कितना है 27। सबट्रैक्शन में क्या होगा, सबका साइन क्या होने वाला है चेंज होगा, कितना होगा ये 6x, इधर बड़े नंबर का साइन 13 का है तो साइन क्या होगा माइनस, डिफरेंस साइन अगेन सबट्रैक्ट, 30 और 27 में कौन बड़ा है 33, तो अगेन क्या होगा सबट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 6, x माइनस वाई डिवाइड बाई ये किया तो कितना होगा 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 3, इधर आएगा x माइनस वाई ये इक्वल्स टू कितना होगा 1। एज यूजुअल क्या करेंगे ऐड, प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा कैंसिल, 2x इक्वल टू कितना होगा 4, x इक्वल्स टू कितना होगा 2। सेम x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना दिया यहाँ पे 3, x के बदले कितना डालना हमें 2, तो इधर क्या होगा 2 प्लस वाई ये कितना आएगा 3, y और 3 का जगह नहीं बदलना है, एडिशन वाला 2 दूसरा गया तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, y का वैल्यू कितना हो गया 1। इसी के साथ हम लोग का जो फर्स्ट और जो सबसे बेसिक एक्सरसाइज है ये हम लोग कवर अप हो जाता है। तो ये एलिमिनेशन वाला स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी आपको किसमें काम आने वाला है, सब्सटीट्यूशन, सेकेंड किसमें काम आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आएगा वैल्यूज ढूंढने, तीसरा फ्रैक्शंस का जब सम आएगा ये आपको आगे जाके दो चैप्टर्स क्वाड्रेटिक एंड दैट इज लीनियर दोनों में आने वाला है। नेक्स्ट इज हमने जो लास्ट में किया, एक बार ऐड करना एक बार सब्ट्रैक्ट करना, ये भी बहुत जगह पे कॉमन सम्स है, तो जस्ट थोड़ा जरा ध्यान दे के रखना, क्योंकि जब भी अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली ये सब स्टार्ट डायरेक्ट करने वाले, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो ये बेसिक का वीडियो जरा अच्छे से वापस वापस देख लीजिएगा। थैंक यू।